ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं पद्मश्री श्रीमती कल्पना सरोज जी से। देशन के बारे में बहुत जानता है, इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको मालूम नहीं तो आज इनके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कभी जिंदगी में डिप्रेशन आएगा नहीं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपके आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे देश के लिए, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कई लोगों को आपके बारे में आज तक मालूम नहीं है। पर मैं चाहता हूँ आज आपके कुछ बचपन से शुरुआत करें, तो थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी हमारे लिए। एक्चुअली मैं विदर्भ से हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट में। मेरे पिताजी पुलिस हवलदार थे और पिताजी चाहते थे कि मैं मैट्रिक तक पढ़ूं, लेकिन सातवीं क्लास में ही जब मैं थी तो मामा जी एक को पकड़ के ले गए, बोला नहीं अब बस हो गया, पढ़कर करना क्या है, चूल्हा चक्की वही तो करना है, इसके अलावा लड़की को करना क्या है। और फिर वैसे भी लड़की को घर में रखने का मतलब यह है कि जहर की पुड़ियों को घर में रखने के मतलब, तो इस तरह से लड़की को मामा जी ने कहा। और उस जमाने में वो सरपंच भी हुआ करते थे गाँव के, तो उनका एक अलग रुतबा था, तो इसलिए मामा के दबाव में मेरे बाबा को आना पड़ा और मेरी शादी। शादी के बाद में फिर मुंबई में लाया गया, तो फिर शादी हो गई, यहाँ आए तो फिर देखा ना, तो कोई हम लोग तो पुलिस क्वार्टर में रहते थे तो साफ सुथरे और अच्छे कम से कम अच्छे घर होते थे। यहाँ आने के बाद झोपड़ पट्टी हमने पहली बार देखी, मुंबई में झोपड़ पट्टी भी होती है, झोपड़ा बड़ा गंदा सा, और बरसात के लिए जब मैं यहाँ आई थी उसके चारों तरफ से पानी अजीब सा था, काफी रोई थी मैं उस वक्त, बड़ा दुख हुआ था कि ये क्या हुआ। लेकिन बचपन से ऐसे संस्कार है ना कि जहाँ बहा करके जाओ तो उसको निभाना है, घर निकाल दो, तो सोच लिया यही तकदीर है किसी को। उनका व्यवहार अच्छा था फिर भी? पति तो फिर भी स्टार्टिंग में ठीक ही थे, लेकिन उनके घर के जो लोग थे, जो जठानी जेठ जिसको कहा जाएगा, तो वो बड़े ही अजीब से लोग थे, क्योंकि वो ये देखते थे कि जब जो बहू घर में आई है वो यानी कि नौकरानी आई हुई है, ससुर जी जेठ जेठानी और उनके पांच छह बच्चे और हम दो, तो इतने सारे लोगों का मुझे खाना बनाना है। अब जाहिर सी बात है कभी नमक कम हो गया कभी मिर्ची ज्यादा हो गई, तो बस इतनी छोटी सी बात से वो औरत मुझे बेतहाशा मारती थी, बालू से पकड़ के दीवार पे पटकेगी, तेरी माँ ने तुझे ये सिखाया, तेरे बाप ने तुझे ये सिखाया, और इतने में वो औरत नहीं रुकती, फिर उसका पति आ जाता, फिर उसको बोलती दिन भर का सारा बताती कि इसने क्या क्या काम नहीं किया और कितनी गलत लड़की है ये, इसने वो मुर्गियों का संडा साफ नहीं किया, इसने सफाई ढंग से नहीं की, इसने खाना खराब कर दिया, इसने कपड़े ढंग के नहीं, उसने लातों से मारना शुरू कर दिया। पति ने? तो जेठ जी ने। तो आपने अपने पति को शिकायत करी? वो तो खुद देखता था कि भाई मार रहा है, पर वो कुछ क्योंकि छोटा था और भाई बहुत थोड़ा सा था ही डरावना टाइप, तो वो डरता था उससे, तो कुछ नहीं बोलता था। छह महीने यूं ही बीत गए और मेरे पिताजी पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ मुंबई में है, जहाँ पे बाबा ने ड्यूटी लगा लिया कि चलो मुझे मेरा ड्यूटी वहाँ पे लगा दो ताकि मैं अपनी बेटी को भी देख लूँ। और यहाँ जब मेरे बाबा आए छह महीने के बाद में, जब मुझे देखा तो वो हैरान रह गए कि यही मेरी वो बेटी है जो इतनी चुलबुली थी, इतनी नटखट थी, और आज इसके हालत में क्या देख रहा हूँ। और मुझे भी बहुत रोना आया, बाबा को पकड़ के मैं बहुत रोई, क्योंकि छह महीने के बाद कोई अपना मेरे सामने खड़ा था, और मेरे बाबा हैरान रह गए कि ये क्या है। तो फिर मेरे बाबा ने कहा कि मैं बेटी को लेके जाऊंगा, मैं नहीं रखूंगा यहाँ पर। मैंने बहा किया उसके सुख के लिए, इस तरह से तुम उसको बोला, अरे अभी तो कुछ भी नहीं, इसको तो हम ऐसा मारेंगे ना, क्या बेटी पैदा किया पता नहीं। फिर बाबा को भी इस तरह से उल्टा सुलटा बोलना शुरू कर दिया। मेरे बाबा पुलिस के ड्रेस में ही आए हुए थे, तो जब मैं रोना शुरू किया अड़ोस पड़ोस के लोग भी देख रहे कि इसके घर में पुलिस वाला आया, पता नहीं क्या है ऐसे। मेरे बाबा बोले मैं बैठूंगा भी नहीं, मैं ऐसे कैसे बेटी को लेकर जाऊंगा। और फिर बाबा मुझे अपने गाँव लेकर गए, और फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जो हो गया भूल जाओ, एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ, और मैं अभी तुमको फिर से पढ़ाऊंगा और तुम पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुमकिन नहीं था, समाज एक्सेप्ट नहीं करता, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। और आप इतने डिप्रेशन में चले गए कि आपने जहर पी लिया? तो मैं कुछ दिन तक फिर भी मैंने बर्दाश्त किया कि ठीक है, क्योंकि बर्दाश्त करने की आदत सी हो गई थी, तो मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के लोग बोल देते थे, यहाँ तक कि बाबा ने स्कूल में दाखिला किया तो वहाँ की जो सहेलियां, मेरी खूब अच्छी सहेलियां होती थी, वो भी बड़ी अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। तो ये सब बहुत बर्दाश्त से बाहर था। फिर मैंने ये सोचा कि मेरी जिंदगी तो यूं ही मतलब दर्द से बदतर हो गई है, मैं वहां रहती थी तो वहां इस तरह से था, यहाँ बाबा लेकर आया है तो मैंने अपने माँ बाप का जीवन ही बर्बाद कर डाला, क्योंकि हर कदम पे सारे रिश्तेदार सारे अड़ोसी पड़ोसी उनको सुना रहे हैं कि किस तरह की बेटी है तेरी। तो फिर मैं ऐसी जिंदगी क्यों जीऊं,
ना तो मैं भाभी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती हूँ, ना ससुराल जा सकती हूँ, ना मैके में रह सकती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। और फिर मैंने पॉजिटिव दिया तो हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया और मुझे बचना था, शायद मैं बच गई 24 घंटे तक, होश आ गया। होश आने के बाद में लोग जब मुझे मिलने के लिए आने लगे तो हमदर्दी किसी के भी आंखों में नहीं थी कि कितनी बुरी बात है कि मैं हार गई हूँ, थक गई हूँ, इसीलिए मैंने मरने की कोशिश की है। लेकिन लोग आज भी हमदर्दी से बात नहीं कर रहे, लोग ये कह रहे हैं कि जरूर उसने ऐसा कोई काम किया होगा। तो फिर मेरे दिल दिमाग में ऐसे आया कि ठीक है, अगर कुछ करके मरना है तो कुछ करके जी लेंगे ना। उस दिन से मैंने कुछ है ऐसा तो हो जाता है। तो वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आपने जी जी। तो फिर मैंने इस तरह से सोचा कि ओके, आज के बाद मरने के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। जो मैं अक्सर करती कहती थी कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, उस दिन से मैंने ये बात सोचना छोड़ दिया और कहा कि ओके, समाज को और दुनिया को मैं करके दिखाऊंगी। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे मुंबई भेज दो। प्रयास बहुत किया, बहुत मुंबई। मैंने कहा मुझे मुंबई भेजो। बाबा फिर तैयार नहीं थे क्योंकि मुंबई कैसे भेजेंगे, एक जवान लड़की है, मुंबई कहाँ भेजे और क्यों भेजे, मुंबई जाके तो ये इतना सारा झमेला हो गया, फिर मुंबई क्यों भेजे। कितनी उम्र में आप आई मुंबई? मैं यही कोई 16 साल की उम्र में मुंबई आई। तो मैं यहाँ आई तो मेरे चाचा यहाँ रहते थे, तो दादर में, दादर स्टेशन के नीचे रेलवे क्वार्टर्स थे, तो वहां पर वो पापड़ बेचने जाते थे। तो फिर उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं तो नौकरी के लिए आई, क्या करना, क्या क्या जानती हो काम के बारे में, मैं सिलाई जानती हूँ। तो फिर वो लोग मुझे लोअर परेल में सनमिल कंपाउंड में एक फैक्ट्री थी वहां पर मुझे काम पे लगाया। डर के मारे जो मैं अच्छी कारीगर थी उसके बावजूद भी मशीन मुझसे नहीं चल रही थी, तो वो जो हेड थे वहां के वो डांट दी मुझे बोली पूरी तरह से, कहने लगी आता कुछ नहीं, खुद को कारीगर बोल रही हो, चलो हटो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम भागो यहाँ से। तो फिर मुझे रोना आ गया, मैंने हाथ पांव जोड़ के बोला कि नहीं नहीं मुझे काम दे दीजिए प्लीज। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो हेल्पर का काम है वहाँ, लड़कियाँ देखो देख रहे हो ना, धागे काट रहे, वो आएगा तुमको। मैंने कहा हाँ वो मैं कर लूंगी। तो वो था मेरी जिंदगी का 2 रुपये रोज, 60 रुपये महीना। तो वहाँ फिर उन लड़कियों के साथ में मैं बैठ के धागे काटने लगी और मुझे अपने आप में इतना गुस्सा आ रहा था, मैं कोस रही थी अपने आप को कि मैं अच्छी कारीगर हूँ, वो क्या गया मुझे, मशीन क्यों नहीं चल रही मुझसे। थोड़ा सा दिमाग से 2-3 दिन में डर गया, फिर मैंने सोचा मैं ये लोग लंच टाइम टी टाइम में जाने लगे तो मैं मशीन पे बैठ के मशीन चलाने लगी, मशीन तो आती थी आने लगी, क्योंकि डर था इसलिए नहीं आ रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे दीजिए कपड़े मैं सिल लूंगी, बोला नहीं 1 महीना अभी इधर ही काम करो, अब तुम्हारा एंट्री इसमें हो गया हेल्पर में, तुम ये करो, फिर 1 महीने के बाद में देखेंगे, ट्रायल लेंगे तब देंगे। 1 महीने के बाद में उन्होंने मुझे ट्रायल लिया, दिया कपड़ा। तो मैंने एक पहले ही महीने में 225 रुपये कमाए और फिर मेरा काम का दौर शुरू रहा। तो वो चल ही रहा था, उसी बीच बहन बीमार हो गई और बहन बीमार हो गई तो उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है हमारे पास और देखते ही देखते वो मर गई। और फिर मैं इतनी बदनसीब की मैं कितना पैसे की जरूरत थी? यही कोई 2-2.5 हज़ार रुपये की जरूरत थी, तो उतने भी पैसे होते अगर तो उसको बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पाए। तब इसी बीच मैंने सुना कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जहाँ बेरोजगारों को लोन दिया जाता है उस स्कीम के थ्रू, मैंने उसका पता लगाया। पहले तो जिस साहब का पता चला था कि वो कुछ मदद करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके यहाँ पर एक बैठा हुआ आदमी, हमने कहा 10 हज़ार रुपये तो अपने को करीबन ऑफिसरों को देना पड़ेगा, लोग 50 में से 10 इनको देंगे तो 40 में मैं क्या करूंगी, और फिर इंटरेस्ट भी मुझे भरना है तो मुझे नहीं चाहिए इस तरह का लोन, मैंने मना कर दिया। फिर वहां पर एक बैठा हुआ आदमी था तो उसको शायद मुझ पर दया आई, पता नहीं क्या, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से क्या होता है। फिर वो मुझे पंचायत समिति लेकर गया, उसमें बताया कि यहाँ पे ये ऑफिसर फला दिन आते हैं, जैसे बुधवार को आते हैं, फ्राइडे को, शुक्रवार को आते हैं, इनसे मिल के आप बताइएगा आपको क्या करना है। फिर मैंने बताया, फिर उन्होंने पेपर वर्क बताया मुझे कि क्या क्या पेपर चाहिए होते हैं लोन के लिए। वो पेपर बनाने में भी काफी समय गया, सारे पेपर्स मैंने बना के उसको भी करीबन इतना ही 1.5-2 साल मेरा गया, लेकिन मुझे लोन मिल गया, 50 हज़ार का लोन मिल गया। और फिर मैंने सोचा कि बस अब मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे दिमाग में एक ये आया कि मेरे जैसे ऐसे कितने सारे यूथ है ना जिनको, जो बेरोजगार है, जिनको सरकार नौकरी नहीं दे सकती, हर किसी को तो नौकरी नहीं दे सकती ना सरकार, तो वो भी व्यापार कर सकते हैं, तो वो भी व्यापार कर सकते हैं जी। तो मैंने संगठन बनाया,
मैंने सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन बनाई। तो समाज सेवा आप शुरू में बचपन से ही करते हैं, उसके बाद आप रियल एस्टेट में चले गए और उसके बाद कमानी ट्यूब आया। जी, तो एक शख्स की जमीन थी वहां के कल्याण में जो लिटिगेशन में थी, जिसकी वजह से वो बिक नहीं पा रही थी, कोई खरीद नहीं पा रहा था उसको। वो शख्स एक दिन मेरे पास आया और यूं ही रोने लगा कि देखो ना, मेरी जमीन है लेकिन कोई ले नहीं रहा और मुझे बहुत सख्त जरूरत है 1,00,000 रुपए की। उसको 1,00,000 रुपए मैंने दिए, उसने वो जमीन मुझे लिख के दे दी। तो उसका 7-12 ये वो जब मेरे पास आया तो देखा तो उसके ऊपर पुल है, सीलिंग है, तो मैं बोला अभी इसका क्या करूंगी। तो डिप्टी कलेक्टर वगैरह मेरे अच्छे रिलेशन हो गए थे, तो मैंने उनको दिखाया, मेरे साहब ये देखो ये प्लॉट मेरे पास आया। बोला किसी काम का नहीं है तुम्हारे। बोला क्यों साहब, कुछ तो कम का होगा, बताइए कुछ। मैंने बहुत मेहनत के पैसे है जो मैंने उसको दिए है और आगे देने हैं। मुझे कहा कि इसके ऊपर सीलिंग लगा हुआ है जो उसको सीलिंग निकालना पड़ेगा और इसका पुल लगा हुआ है, तो जब तक ये पुल नहीं निकलेगा ये जमीन किसी भी काम की नहीं है। तो उसको क्लियर करते करते करीबन 1.5 से 2 साल मुझे लग गए, मतलब आसान नहीं था। जैसे क्लियर हो गई तो 2.5 लाख की जमीन 50 लाख की हो गई। वाह, अच्छा। क्योंकि हॉट प्रॉपर्टी थी, लिटिगेशन की वजह से नहीं हो पा रही थी। जमीन क्लियर हो गई और मुझे ऐसे लगा कि अब मैं इसको डेवलप करके मैं बिल्डिंग बनाऊंगी, और मैंने प्लान पास के लिए डाल दिया। मेरा प्लान पास हो गया, मैंने वहां बोर्ड लगा दिया कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। लेकिन वहां के लोकल गुंडाज और लोकल लोगों के दिमाग में आ गया कि एक लेडीज और वो भी दलित, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर मुझे मारने की सुपारी दी गई, पुलिस ने जो भी कार्रवाई करना था किया। बहुत हिम्मत थी आपने, अकेले आप बहुत हिम्मतों में आप खड़े। उसके बाद आप डेवलप कर पाए बिल्डिंग? बिल्कुल, उसमें डेवलप कर पाए। फिर उसमें मैंने 4.5 करोड़ रुपया कमाए, फिर इस तरह की मैंने और दूसरी बिल्डिंग बनाई। तो उस बिल्डिंग में भी काफी कुछ इसी तरह का संघर्ष रहा। वहाँ तो इतना जातीय बात था, वहाँ कोई ठाकुर था उसने मुझे जात के ऊपर से गालियां दिया। मतलब रोक के अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बिल्कुल, आपने दलित समाज के लिए बहुत काम भी किया है जी, और दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की आप अध्यक्ष भी नियुक्त करी गई थी जी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी बहुत तारीफ करी जी। मैंने उस वीडियो भी देखा था जहाँ मोदी जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जिंदगी में डिप्रेशन आ जाए जी, या किसी को इतनी तकलीफ आए कि उसका सुसाइड करने का मन करे, तो एक बार कल्पना जी का चेहरा देख लें और उनसे जाके उनसे बात कर लें, तो कभी जिंदगी में जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आत्महत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए, एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक साधारण से पुलिस हवलदार की बेटी, जो सामने पीआईजी रहेंगे तो हाथ बांध के यूं खड़ा रहना पड़ता था, पापा को सैल्यूट करना पड़ता था। आज देश के पंत प्रधान मेरे बारे में बात करते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या। देश के प्रधानमंत्री ने आपको हमारे देश की महिलाओं में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन माना। उसके बाद 2013 में आपको पद्मश्री भी मिला। जी, मुझे 2013 में पद्मश्री इसलिए मिला क्योंकि मैंने कमानी ट्यूब्स लिमिटेड जो एक सिख यूनिट था जो 25 साल से बंद पड़ा हुआ था, ऐसे इस कंपनी को मैंने डिपोर्ट किया। ये कमानी ट्यूब्स की थोड़ा स्टोरी अगर थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताएं हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसी कंपनी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मालिक को बाजू में करके वर्कर्स को मालिक बना दिया और वर्कर चला नहीं पाया, और वर्कर चला नहीं पाए। कर्ज बहुत हो गया था इसमें, 116 करोड़ का कर्जा था उस समय, 116 करोड़। हाँ, 140 लिटिगेशन के केसेस थे और 2 बड़ी यूनियन हो चुकी थी, और फिर कमानी ट्यूब्स का भी लिक्विडेशन का नोटिस आ गया था। तो वर्कर्स मेरे पास आए और कहने लगे कि ये लिक्विडेशन में चले जाएंगे और मैडम इसको बचा लीजिए आप। मैंने पहले तो ना कह दी थी, लेकिन उन्होंने जब कहा कि हमारे 93 वर्कर्स किस तरह से मरे, भूख प्यास से मरे, तो वो सारी बातें, 93 वर्कर्स ऑलरेडी मर चुके थे, तो मैंने कहा कि ओके ठीक है मैं देखती हूँ। मतलब व्यापार से ज्यादा आपके संस्कारों ने आपको मदद करी, आप लोगों की मदद करने के लिए घुस जाते थे और आपने ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाया। मैं इसको यहाँ रोकना चाहूंगा, 2 रुपए से 3,000 करोड़ तक की काम कहानी जिसको आप बिजनेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना चाहते हैं, प्रोफेसर कल्पना सरोज जी से मिलने के लिए आप आइए हमारे बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे, और आज आप ही से मैम इंस्पायर होके हम ये गुड न्यूज सबको शेयर करना चाहते हैं कि महिलाओं को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको क्विकली शेयर करूं, 1.25 साल का एवरेज एज एजुकेशन है आज हमारे देश के अंदर महिलाओं का, यानी कि नर्सरी से पढ़ाई शुरू हुई और केजी तक पढ़ाई खत्म,
छोटे शहरों में, गांव में, तालुका, तहसील नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा महिलाओं की पढ़ाई आज भी नहीं हो रही है। आज वुमेन पार्टिसिपेशन 3% से कम है इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, जबकि अमेरिका, यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाते हैं किसी कैपिटलिस्ट कंट्री में तो वो 70-75% का वुमेन पार्टिसिपेशन है। महिलाएं हमारे देश के अंदर जो 48% जनसंख्या है उनका पार्टिसिपेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं। उस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आज कल्पना सरोज जी के साथ मिलकर हमने एक अनाउंसमेंट आपको करना चाहते हैं कि कितने रुपए पर मंथ पे हम ये प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। आप वुड यू लाइक टू शेयर? जी, मैं ये बताना चाहूंगी हमारी महिलाओं को कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि पर मंथ 1000 रुपया, 1000 रुपया बहुत छोटी अमाउंट है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन उस 1000 से आप बड़ा बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है ये सीख सकते हैं आप, और वो सिखा सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े व्यापारी जो आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए वो आप सीख सकते हैं। तो आइए विवेक जी के साथ में और अपना बिजनेस सीखिए, सिर्फ 1000 रुपया महीना देना है आप। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच कल्पना सरोज जी। केवल 1000 रुपए महीने में आप हमारे बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे, ये सर केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने स्पेशल सपोर्ट केवल लेडीज के लिए दिया है। हम चाहते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े और 1000 रुपए महीने का हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आज इसी बोर्डलाइन नंबर पर फोन करके आप पता लगाएं कि कैसे आपको ये सुविधा मिल सकती है। अगर आप पुरुष हैं और आप अटेंड कर रहे हैं हमारा कोर्स, अपनी वाइफ को अटेंड कराइए, अपनी बेटी को अटेंड कराइए, अपनी अगर आप स्टूडेंट हैं आप अटेंड कर रहे हैं तो अपनी मदर को अटेंड कराइए। इस वीडियो को मैं चाहता हूं देश हित में शेयर करिए, पूरे देश को शेयर करिए। कल्पना सरोज जी की कहानी जिसके पास पहुंच जाए ना, देश के अंदर कभी डिप्रेशन अपने आप मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंदगी में कोई सुसाइड करने के बारे में सोचेगा नहीं। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगाओ लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, नीचे कल्पना सरोज जी के बारे में कमेंट लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इनकी स्टोरी से सबसे अच्छी इंस्पिरेशन किस बात की लगी, क्या आपने सीखा आज कल्पना सरोज जी की इस कहानी से। ये किस्से कहानियों वाली कहानी नहीं है, ये संघर्ष की कहानी है जो हमने कुछ ही मिनटों में आपको बता दी, पर जिंदगी में उन्होंने बहुत सहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।